अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर से खैर मकदम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हकीम जी रहमानी पर। उम्मीद करता हूँ भाई सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में बहुत ही ज़बरदस्त, नायाब और आसान चीज़ लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज का नुस्खा उन लोगों के लिए बहुत ख़ास होने जा रहा है जो औलाद से महरूम हैं, इरेक्शन को लेकर परेशान हैं, स्टेमिना बिल्कुल बनता नहीं है और टाइमिंग भी नहीं होती। देखिए दोस्तों, ये नुस्खा बहुत ही नायाब है। आप अगर औलाद अल्लाह ने आपको बख्शी है तो जो बे औलाद हैं आप उन्हें भी ये नुस्खा बताएं। इससे हमारी मादा मनी बढ़ती है, मादा मनी गाढ़ी होती है, साथ ही रुकावट में इजाफा होता है, मादा मुनवयन भी, इससे हमारे शुक्राणु जिसे कहते हैं हम, शुक्राणु भी बढ़ते हैं, जिससे औलाद के होने में आसानी पैदा होती है। करना क्या है आपने इसमें? सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो के अपडेट्स और नोटिफिकेशन बावक्त मिलते रहेंगे। साथ ही आपसे गुजारिश है, कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं पहले अपने मिजाज का चेकअप ज़रूर कराएं, क्योंकि हर किसी का मिजाज अलग होता है और हर नुस्खे का मिजाज अलग होता है। बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों चलते हैं नुस्खे की जानिब। नुस्खे में आपने लेनी है केवल तीन चीज़ें। बहुत ही आसान, बहुत ही ज़बरदस्त, शानदार, नायाब, कामयाब नुस्खा है। जितनी तारीफ करूँ कम है। चलिए दोस्तों वीडियो का आगाज़ करते हैं। लेना क्या है आपने? आपने लेना है केला, बादाम और शहद। आपने केले को दरमियानी काट लेना है, बीच में से काट लें, और आपने पांच बादाम का शफूफ बाद पांच बादाम को पीसकर उनका पाउडर बना लें और इनको दोनों आधे आधे केले पर लगा लें। फिर उसके बाद आपने चम्मच से इसके ऊपर शहद चढ़ा देना है। एक परत शहद बादाम के पाउडर पर चढ़ा दें और केले को फिर आपने खाना है। केले को आपने दिन में लंच के बाद, लंच के दो घंटे बाद आपने ये एक केला खा लेना है और ऊपर से गर्म दूध पी लेना है। इंशाल्लाह आपकी ताकत और कुव्वत बेपनाह बढ़ जाएगी, साथ ही इरेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा, स्टेमिना में कोई कमी नहीं होगी, टाइमिंग में बे इंतहा इजाफा होगा, साथ ही साथ आपकी मादा मुनवयन भी बढ़ जाएगी, जिससे औलाद होने में आसानी होती है, जिसे हम शुक्राणु भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ज़रा सा परहेज है उसका भी खास ख्याल रखें। खट्टी चीज़ें, फास्ट फूड, गर्म चीज़ें और तली भुनी चीज़ों से आप दूरियां बना लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारे निज़ाम हज़म को ख़राब करती हैं और जिन लोगों का निज़ाम हज़म ख़राब रहता है फिर कोई भी दवा, कोई भी नुस्खा उस पर पूरी तरह असर नहीं कर पाता, इसलिए इनसे दूरियां बना लेंगे तो बेहतर रहेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का नुस्खा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। जल्द मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।